हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके सपने चैनल SS क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज सेकेंड सिटिंग में आइए पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा था, तो उसका मैं ग्रुप ई सेट ई का टोटल आंसर लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आप लोग अगर आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो अपना निकाल लें प्रश्न पत्र और यहाँ से आंसर मिलाना शुरू कर दें, और अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी नहीं हैं तो इसको वैसे दोस्तों के साथ अपने शेयर करें जो कि आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए पहुँचते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर एक अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कहता है यहाँ पे ध्यान से, तो भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो है सो आपको चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। अगला क्वेश्चन दो नंबर, तो क्या कहता है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ऑप्शन जो चार दिए गए हैं उसमें जे एस मिल, बेंथम, प्लेटो और मार्क्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है दो का ए, जे एस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन, तो ये क्या कहता है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्यों की संख्या की सीमा क्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीन का डी, 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ चौथा नंबर देखा जाए तो ये क्या कहता है आपका, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ देखेंगे पांचवा नंबर, तो कहता है कि राज्य का उपसभापति निर्वाचित होता है। तो इसका चार ऑप्शन आपको जो दिया गया है, पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छः की तरफ, तो क्या कहता है आपका कि 73वें संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था में कितने विषय सौंपे गए हैं। तो इसका आपका छः का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात, तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखेंगे तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहता है क्या है कि सांविधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बेंच होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 5 या उससे अधिक सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए तो विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ही, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं 12वां नंबर प्रश्न, तो ये क्या कहता है कि किस कमेटी के ऊपर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का सी, संस्थानम कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 तक, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आपका 14 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां देखे तो ये क्या कहता है यहाँ पर, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक हैं। तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीडी बसु। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है किस देश का। तो आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भारत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखा जाए तो क्या कहता है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न
उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ था, किसने कहा? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 18वां नंबर तो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री 18 नंबर में देखिएगा तो इसका क्या होता है कि नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके यहाँ पे देखिएगा 18 का जो है सो आंसर जो होगा सो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 19वां नंबर, तो ये क्या कहता है, 19वां नंबर प्रश्न शायद ब्लर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर देखा जाए, ब्लर हो गया, लेकिन चलिए फिर भी हम बता देते हैं। 19वां नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, यानी सार्क का मुख्यालय क्या है। तो 19 का आप लोग आंसर मिला लीजिएगा डी, कर 19 का डी। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको मैंने इसका जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया था मॉडल सेट में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 20 का देखा जाए, 20 का आपका देखिएगा तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का आपका सी, 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर है सी, 21 का सी। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन यहाँ पे ठीक से आ नहीं पाया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23, तो साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी, 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 24, तो क्या कहता है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा बी, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर 25 देखा जाए तो क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये भी क्वेश्चन कल आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 26 देखा जाए तो क्या कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ये आप भी जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर बताया जाए तो ये क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश महारानी के समान। क्वेश्चन नंबर 29 अगर देखा जाए तो ये क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का डी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है 32वां, भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध कब हुआ था। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां देखा जाए तो कहता क्या है, संविधान में 42वीं संशोधन कब पारित हुआ था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का बी, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 34वां नंबर, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। क्वेश्चन नंबर 34 अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था। 35, तो 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 अगर देखा जाए तो कहता क्या है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 37, तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर है बी,
1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहता क्या है यहाँ पर कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 39 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखा जाए 40, तो क्या कहता है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 41, तो क्या कहता है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 41 का आपका हो जाएगा बी, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 42वां, तो लोक लेखा समिति में होते हैं, तो 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 15 सदस्य। नेक्स्ट आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 43, तो कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे इसका आपका करेक्ट 43 का आंसर हो जाएगा सी, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 44, जो कि यहाँ है, ये कहता क्या है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसका क्या हो जाएगा 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनता के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 अगर देखा जाए, तो किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति होती है? महासभा महासचिव की नियुक्ति होती है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगर 46 देखा जाए, तो क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 36 का आपका सॉरी 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 37 47, तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपका यहाँ पे 48 नंबर, तो ये क्या कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 245, जो कि आपका आंसर इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। दक्षेक्स का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेक्स यानी कि सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 50वां, तो क्या करता है समवर्ती सूची में कितने विषय को रखा गया? तो क्वेश्चन नंबर अगर 50 का आंसर देखा जाए, तो ये कह इसका अगर आंसर होगा तो ये होगा सी, 51। अगर देखा जाए तो 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 52, तो ये क्या कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कौन सी धारा में? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53, तो सार्क में कितने देश होते हैं? तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 54वां देखा जाए, तो ये कहता क्या आपका आपका कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 55, तो देखिएगा कि केशवानंद भारतीवाद की सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 अगर देखा जाए, तो क्या कहता है भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 57, तो क्या है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का अगर आंसर देखा जाए, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, कहता क्या है आपका कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका 58 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर 59वां देखा जाए, तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर ए, 552। नेक्स्ट अगर लास्ट देखा जाए इस वीडियो का प्रश्न, तो क्या कहता है कि अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट 60 का हो जाएगा आंसर में,
सी केंद्र के पास। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें। कल भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। धन्यवाद।